घटनाक्रम को। भाई ये तो क्या बताए, तो पुलिस जांच का वो है और सब लोग पता जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है जी। बेचारे खाते पीते घर के जमींदार है, किस धंधे में बढ़ गए, ये तो सोचने वाली चीजें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे जिस तरह से पंजाब में हुए हैं, 2-3 मर्डर ये हुए हैं जी। पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं जी। कुछ नौजवान नशे की उसमें है और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। वो अभी परिजनों से मिलकर आए हैं और अकेला बैठा था, अकेला था भाई। परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई, सभी लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये है कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पे कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लोग आ सकते हैं, अपनी वो कर सकते हैं, लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत हैं, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत हैं, जो दुख हैं वो बाहर नहीं निकाल रहे और उन्होंने ये है कि भाई संघर्ष करूंगा और मैं जीऊंगा। और जो उन्होंने बताया उसका तो बड़ा प्लान यहाँ पे था कि बड़ा हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा यहाँ पे और बाहर से जो शो करूंगा उसके लिए ही मानसर इसके आसपास एक हॉस्पिटल कई करोड़ रुपया लगा कर बनाऊंगा। तो क्षेत्र को नुकसान होता है, इस तरह के बच्चे जाते हैं तो एक डर और भय का माहौल उससे पर्याप्त होता है और लोग वैसे ही नहीं पढ़ रहे, खास करके पंजाब के लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं तो इन घटनाओं से ज्यादा पंजाब को नुकसान। जेल में बैठ करके सर्किट चलाते हैं, सरकार काबू नहीं कर पाती, ऐसा क्यों भाई? क्या पता क्यों नहीं कर पाते, राजनीति से होती है इनको? राजनीति वाले तो क्या इनको सह करते होंगे, ये तो अपने ही सिस्टम रहते हैं इनके। कुछ कई जो घटनाएं हुई इनसे नुकसान तो होगा, पॉलिटिकल नुकसान रहेगा या इसका क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जनता दहशत में है। सरकार ने सिक्योरिटी वापस लेकर और देखो उसमें क्या करना चाहिए। अगर सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, सिक्योरिटी किसी भी आदमी को दी जाती है तो इंटेलिजेंस और उसके आधार पर दी जाती है, उसकी एक कमेटी रहती है पूरी और उसके सर्वे होते हैं सारे। तो सरकार को चाहिए कि ये सेंसिटिव जोन है पूर्ण रूप से जो पंजाब है, तो इसमें सिक्योरिटी लोगों की उनकी बहाल करनी चाहिए सबकी। पंजाब में तीसरा बड़ा हादसा है, तीसरा बड़ा खिलाड़ी भी खोया, खिलाड़ी एक खिलाड़ी वाला एक, ये तो तीसरे उससे ये बड़ा नुकसान होगा। और खास करके जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, वो दहशत में अपने कोई रोजगार नहीं यहाँ कर पाएगा तो यहाँ पैसा नहीं कोई लगाएगा, नहीं लगाएगा तो उससे एक स्टेट का विकास रुकता है। जब तक कोई उद्योग धंधे वाले नहीं आते, वे नहीं आते। सर बेंगलोर में आपके ऊपर साई पैकी गई, आपकी सुरक्षा की? नहीं, साई नहीं, हमारे ऊपर भी पूरा ये हमला ही हुआ, वहाँ पे भी ये पूरा ये आपको सुरक्षा मिली हुई है? नहीं मिली हुई है, लेकिन जब बेंगलोर जाते हैं तो वहाँ की लोकल कोई भी आदमी, कोई भी लीडर जब बाहर जाएगा तो वहाँ की पुलिस उसको प्रोटेक्शन देती है जी। कुछ सिविल ड्रेस में रहते हैं जी जी। और कुछ वर्दी में रहते हैं, तो वहाँ पे सिविल ड्रेस वाले लोग वे नहीं थे। कैसे अब सेंटर की गवर्नमेंट ने तो बोला था, इंटेलिजेंस ने भी इसको खतरा है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी वापस ले ली? करे नहीं, हम भी चिट्ठी लिखेंगे इनको कि इस तरह की सिक्योरिटी वापसी ना लो और जिन लोगों को थी वो किसी ने किसी पर्पज से दी गई होगी उनको सिक्योरिटी दी जाए। प्रधान जी जैसे घटना को अंजाम दिया है तो ये लोग क्या चाहते हैं? दूसरे गायकों पर घूस लेना चाहते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, क्या करते हैं? पता नहीं भाई, ये तो लोकल के लोग ही बता पाएंगे, हमें ज्यादा यहाँ के जानकारी नहीं, ना किसी गैंगस्टर वाले वापस लिया क्या? नहीं, हम तो साथ ही हैं। देखो किसान जत्थेबंदी के लिए ये बिल्कुल साथ में था और जो 28 तारीख की घटना वो हुई तो उसके बारे में भी इसने लिखा और वो हमारे अकाउंट पे भी इसने वो करा और ये वहाँ के किसान मूवमेंट को फॉलो करते थे, इनका पूरा परिवार पूरा पंजाब ही करता था, जितने भी यहाँ के गायक थे चाहे वो बाहर रह रहे हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने किसान जत्थेबंदी के लिए गाए भी है और उनका एक बड़ा योगदान रहा यहाँ से यूथ को ले जाने में, भेजने में, वहाँ पे मदद करने में। कैसा बड़ी बहुत ब्लंडर गलती की है पंजाब सरकार ने, उसमें जो अफसर जुम्मेवार है उसके बारे में आप कुछ एक्शन के लिए बात करेंगे सरकार से? सरकार को हम चिट्ठी लिखेंगे कि सिक्योरिटी
ये कमेटी होती है, उस कमेटी से करके जिस जिसको सिक्योरिटी जितनी चाहिए वो कर जाए। ये यहाँ पर नहीं है, पूरे देश भर में हम करेंगे। आजकल एक बड़ा खतरा पॉलिटिशियनों पे और दूसरे लोगों पे भी ये चीजें है, खास करके जो गायक है, उद्योगपति है, अगर उद्योगों को भी हम सेफ नहीं करेंगे तो भी शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरी जगह कहीं। पंजाब सरकार कह रही है असि जिहड़ा सिक्योरिटियां वापस करके असि खजाने नूं भर रहे हैं, उहदा खर्चा बचा रहे हैं, कि तुहानूं लगदा नहीं जाना गवा रहे ने उहनूं पैसे पिछे लगी हुई है सरकार? वो तो गवर्नमेंट का अपना 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 वो है सोच उसका, लेकिन उनको लिखेंगे कि इस पर दोबारा एक कमेटी बनाकर इसका पूरा एक सर्वे करे जाए, आगे नुकसान ना हो। वो खिलाड़ी भी लड़का गया है, उसका भी बड़ा नुकसान हुआ है, और यहाँ से धीरे धीरे इसीलिए हमने कहा है कि प्लस टू के बाद में बच्चे यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं बाहर, उनको कैसे रोकना है। और यहाँ पर दो चीजों की है, एक नशे की लत है उस पर छुटकारा पाओ, और एक ये जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं इससे भी छुटकारा पाना चाहिए। पंजाब और या कोई भी स्टेट जब बचेगा, जब वहाँ पे उद्योग धंधे रहेंगे और लोगों को पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। राकेश